आज के इस वीडियो में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 को कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और उसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं ये वीडियो। देखें यहाँ पे, ये इस वीडियो में हम पहले आपको अवार्ड के बारे में बताएंगे, जैसे कि जो भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं, जैसे कि राजीव गांधी है, इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार है, और उसके बाद ध्यानचंद पुरस्कार। इन चार पुरस्कारों के बाद आपको इस तरह रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि आप ये कहिए कि आपका एक ही वीडियो में एक थियरी भी हो जाएगी और आपका टेस्ट भी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार क्या होते हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होता है, ये हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अब 29 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और ये होता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती। यानी कि जिस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त को, उसी दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे जो पहला राष्ट्रीय खेल दिवस है, ये है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यहाँ पे देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 91-92 से, ये भी पूछा जाता है। और अगर शतरंज की बात करें तो शतरंज के जो ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद, इनको आप जानते होंगे, ये अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। मतलब जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। कई बार पूछा गया है कि विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है, तो ये है शतरंज के ग्रैंड मास्टर, या फिर ये शतरंज खेलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में होता क्या है कि जो भी इसके लिए विजेता घोषित किया जाता है उसको मिलते हैं 7.5 लाख रुपए, और इसके अलावा उनको एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। यह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यहाँ पे अगर हम 2020 के लिए देखें तो कई सारे लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिला है 2020 के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग क्रिकेट, पैरा एथलीट, टेबल टेनिस, कुश्ती और हॉकी से रिलेट करते हैं। क्रिकेट में जिनको मिला है, यह है रोहित शर्मा। अगर आप आईपीएल की बात करें, इस समय आईपीएल चल रहा है, तो रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैप्टन है। इसके अलावा जब भारतीय क्रिकेट की बात करें तो रोहित शर्मा उसमें एक अच्छे प्लेयर हैं, इनको मिला है एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेट के लिए। मरियप्पन टी, ये पैरा एथलीट हैं। इसके अलावा मनिका बत्रा, ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं। विनेश फोगाट, इनका संबंध है कुश्ती से, और रानी रामपाल, इनका संबंध है हॉकी से। देखिए, अवार्ड तो आपसे परीक्षा में पूछा ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा ये जरूर पूछा जाएगा कि इनका संबंध किस खेल से है। जैसे पूछ लिया गया कि रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है हॉकी से। अब आप देखिए कि जो रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, ये क्रिकेट के तौर पे चौथे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है, महेंद्र सिंह धोनी को मिल चुका है, और विराट कोहली को मिल चुका है। यानी कि रोहित शर्मा चौथे नंबर के क्रिकेटर हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अब देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसकी शुरुआत की गई थी कुछ पहले, यानी कि 1985 में। और द्रोणाचार्य, जैसे कि आपको नाम से ही पता है, द्रोणाचार्य एकलव्य के गुरु थे। ये क्या थे? गुरु। तो द्रोणाचार्य अवार्ड केवल गुरुओं को ही दिया जाता है। अब अगर आप गेम में देखेंगे तो गेम में गुरु कौन होता है? जो उसका कोच होता है, जो उसको प्रशिक्षण देता है, उसको हम गुरु कह सकते हैं। तो देखिए, अगर हम राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार की बात करें तो ये हमेशा एक प्लेयर को मिलेगा, जो खिलाड़ी है उसको मिलेगा, लेकिन वहीं पे द्रोणाचार्य पुरस्कार कभी भी खिलाड़ी को नहीं मिलता है, ये मिलता है टीम के प्रशिक्षक को। यहाँ पे देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत क्या क्या मिलता है? तो एक गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा मिलती है, एक प्रमाण पत्र मिलता है, एक पारंपरिक पोशाक मिलता है, और 5 लाख रुपए नगद दिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 के लिए मिला है, ये किनको किनको मिला है। देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये हमेशा उनके प्रशिक्षक को मिलता है, यानी कि खिलाड़ी के कोच को मिलता है। अब यहाँ पे जो कोच का नाम है, ये है धर्मेंद्र तिवारी, और इनका संबंध है तीरंदाजी से।
स्वर्गीय पुरुषोत्तम राय ये एथलेटिक्स थे। शिव सिंह मुक्केबाजी के लिए प्रशिक्षण देते थे। रोमेश पठानिया हॉकी के लिए, कृष्णन कुमार हुड्डा कबड्डी के लिए, विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए, नरेश कुमार टेनिस के लिए और ओम प्रकाश दहिया कुश्ती के लिए। अब आपसे परीक्षा में इनमें से कोई भी नाम पूछा जा सकता है, ये आपको याद करना है। अगर आप चाहते हैं इसका PDF तो आप ऐप पे जाइए, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहाँ जाकर आप इसको आसानी से पढ़ पाएंगे कम समय में। यहाँ पे कुछ लोगों को जो रेगुलर कैटेगरी में मिला है, क्योंकि अभी आप जो देख रहे थे ये लाइफ टाइम कैटेगरी में था। इसके अलावा जो रेगुलर कैटेगरी में मिला है, रेगुलर कैटेगरी में होता क्या है कि अधिकतम 5 लोगों को ही मिल सकता है। यहाँ पे जो लाइफ टाइम कैटेगरी में था, इनमें सरकार की मर्जी, वो चाहे जितने लोगों को दे दे, लेकिन रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड केवल 5 लोगों को ही दिया जा सकता है। और इस बार का जो मिला है ये है जूड फेलिक्स, ये हॉकी के ट्रेनर है। योगेश मालवीय ये मलखम्ब है, और राणा जसपाल ये निशानेबाजी से हैं। कुलदीप कुमार हुंडो वुशु और गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन। यहाँ पे देखिए कुल विजेता अगर 2020 की बात करें तो 123 हैं। प्रथम विजेता हैं भालचंद्र भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज और OM नाम्बियार। ये इनको शुरुआत में मिला था, मतलब कि जब द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत की गई थी। अब तक यानी कि 2020 तक 1985 से लेकर के ये मिल चुका है 123 लोगों को। अब देखते हैं अर्जुन पुरस्कार। तो देखिए भारत सरकार जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनको अर्जुन पुरस्कार देती है। इसकी शुरुआत की गई थी 1961 से, और पिछले 3 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लोग अच्छा काम करते हैं खेल में उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे इस अवार्ड को देने का मतलब ये है कि खिलाड़ी को प्रोत्साहित किया जाता है खेल कूद के प्रति। अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए मिलते हैं नगद। इसके अलावा अर्जुन की कांस्य प्रतिमा मिलती है, एक पारंपरिक पोशाक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो आप इसमें जो पैसा मिल रहा है उसको जरूर याद रखिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो इनका ईयर है, जैसे कि अभी आपने देखा द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985, अर्जुन पुरस्कार 1961, ये सारे जो ईयर हैं ये आपको जरूर याद रखना है। अब यहाँ पे 2020 के लिए जिन लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है इनका नाम यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है। अतानु दास तीरंदाजी के लिए, ये हमेशा एक प्लेयर को मिलता है अर्जुन अवार्ड। दुति चंद एथलेटिक्स है, सात्विक साईराज और रेकी रेड्डी बैडमिंटन, चिराग शेट्टी बैडमिंटन, विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल, मनीष कौशिक मुक्केबाजी, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, संदेश सिंगन फुटबॉल, आदिति अशोक गोल्फ, आकाशदीप सिंह हॉकी, दीपिका हॉकी, दीपक कबड्डी, सारिका सुधाकर काले खो खो, दत्तू बबन भोकानल रोइंग, मनु भाकर निशानेबाज, सौरभ चौधरी निशानेबाज। ये जो हम स्टार कर रहे हैं आप इनका नाम जरूर याद रखिए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये लोग कई सारे अवार्ड जीत चुके हैं। इसके अलावा मधुरिका सुहास पाटेकर, इनको टेबल टेनिस के लिए, दिविज शरण टेनिस, शिवा केसवन ल्यूज, ईशांत शर्मा क्रिकेट, दीप्ति शर्मा क्रिकेट, अजय अनंत सावंत घुड़सवारी, दिव्या काकरान कुश्ती, राहुल अवारे कुश्ती, सुयश नारायण यादव पैरा तैराकी, संदीप पैरा एथलीट और मनीष नरवाल पैरा निशानेबाजी। तो आपको इनका जो स्टार मार्क की उनको तो याद रखिए ही रखिए, इनका खेल जरूर याद रखिए, यह आपसे पूछा जा सकता है। अब देखेंगे अगला, और यह है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2002 में, और जो भी लोग होते हैं उनके आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, और ये भी खेल कूद के तहत ही आता है। यहाँ पे ध्यानचंद पुरस्कार का नाम भारत के हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है, जिनके जन्म दिवस पे हम खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रतिमा मिलती है ध्यानचंद की, एक प्रमाण पत्र मिलता है, पारंपरिक पोशाक मिलता है और 5 लाख रुपए दिए जाते हैं मेजर ध्यानचंद से। आप देखेंगे कि एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जिसमें केवल 7.5 लाख रुपए मिल रहे हैं,
जिसकी शुरुआत की गई थी 1991-92 में। द्रोणाचार्य की शुरुआत की गई थी 1985 में। इसके अलावा आपने ध्यानचंद को देखा 2002 में, अर्जुन अवार्ड 1961 में। तो ये सन जरूर याद रखिए, ये कई बार पूछा गया है। इस बार यानी कि 2020 की बात करें तो जिनको जिनको ध्यानचंद अवार्ड मिला है उनके नाम आपके स्क्रीन पर है। कुलदीप सिंह भुल्लर, ये एथलेटिक्स है। जिंसी फिलिप्स एथलेटिक्स, प्रदीप कंदे बैडमिंटन, तिप्ति मुरगुंडे बैडमिंटन, एन उषा मुक्केबाजी, लक्षा सिंह मुक्केबाजी, सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल, अजीत सिंह हॉकी, मनप्रीत सिंह कबड्डी, जे रंजीत कुमार पैरा एथलीट, सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन, मनजीत सिंह रोइंग, सचिन नाग तैराकी, नंदन पाल टेनिस और नेत पाल हुड्डा कुश्ती। तो आप इनका जो खेल है इसको जरूर याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन आना शुरू हो गया है, तो आपको करना क्या है कि चार विकल्प में से एक विकल्प जो भी लिखा गया है उनका नाम आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं या फिर लाइव होने के बाद देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से किनके जन्म दिवस पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, कहिए तो डेट भी बता दें। यह है 29 अगस्त। कमेंट करके बताइए किनके नाम पे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड मिलेगा। तो इनका जो नाम है ये आपको से पूछा गया, यह है मेजर ध्यानचंद। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के साथ कितनी राशि दी जाती है, इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी जानिए। 91-92 यहां दी जाती है सबसे अधिक 7.5 लाख रुपए। द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में किसको सम्मानित किया गया है। देखिए हमने आपको बताया कि जो रेगुलर कैटेगरी है इसमें हर साल केवल 5 लोगों को ही दिया जा सकता है मैक्सिमम, और इस बार जूड फेलिक्स को भी मिला है, योगेश मालवी को भी मिला है, जसपाल राणा और कुलदीप कुमार हंडू इन सबको मिला है, यानी कि आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। दीपिका किस खेल से संबंधित है, दीपिका का जो खेल है, देखिए खेल बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इनका संबंध है हॉकी से। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2020 की घोषणा हाल ही में की गई है और इसके अनुसार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है। राजीव गांधी की बात की गई है, विनेश फोगाट बिल्कुल मिला है, रानी रामपाल बिल्कुल मिला है, मरियप्पन थंगवेलु और मनिका बत्रा इनको भी मिला है, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब चलिए कमेंट करके बताइए रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है, किस खेल से है, यह आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपको जरूर पता होगा। विजय भालचंद्र मुनीश्वर किस खेल से संबंधित है, यह है पैरा पावर लिफ्टिंग से। निम्न में से किसे द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी से सम्मानित किया गया है, मतलब कौन है जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है लाइफ टाइम कैटेगरी में, ये करीब करीब 10 लोगों को मिला है इस बार, ये है धर्मेंद्र तिवारी। द्रोणाचार्य अवार्ड कब से देना शुरू किया गया बता पाएंगे आप, 1985 से, ईयर बहुत जरूरी है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। देखिए इससे पहले तो विराट कोहली को मिल चुका है, दीप्ति शर्मा को मिला नहीं है, ईशांत शर्मा को भी नहीं मिला है, ये मिला है रोहित शर्मा को, यानी कि इस बार की बात करें तो रोहित शर्मा सही उत्तर होगा। कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, अर्जुन की बात की गई है। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था, 1961 में, ईयर बहुत जरूरी है। इस बार मिला है 27 लोगों को। निम्न में से किसे ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, कुलदीप सिंह भुल्लर मिला है और दीप्ति मुरगुंडे और जी रंजीत कुमार, यहां पे आपको बताना है कि कौन है जिनको सम्मानित नहीं किया गया है, तो ये हैं दूती चंद। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार किसने जीता है, बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार की बात की गई है। देखिए ये सात्विक साईराज रकी रेड्डी को भी मिला है और चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को भी मिला है, सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। श्री काले सारिका सुधाकर इनको हाल ही में अर्जुन पुरस्कार, राष्ट्रीय अर्जुन पुरस्कार इन्होंने जीता है। अब आपको बताना है कि इनका संबंध किस खेल से है। श्री काले सुधाकर सारिका सुधाकर ये खेलते हैं खो खो। अगला है कि
MSN उषा, सुश्री एन उषा, जिनको हाल ही में ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, उनका संबंध किस खेल से है? बताइए किस खेल से है? अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। PDF आप जरूर डाउनलोड करिए जहाँ पे आप कम समय में इसे पढ़ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इनका संबंध है बॉक्सिंग से। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वाला ऐप है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।